الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں اسے فرقان کہتے ہیں اسے برہان کہتے ہیں تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا فرشتوں کا رسولوں کا حبیب حق تعالی کا نہ کچھ تحریف کا خطرہ نہ خدشہ کچھ خیانت کا خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا محبت کے ساتھ ہدیہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجب التکریم استاذ القراء حضرت قاری شمس الدین صلاح الدین شمس صاحب دامت فیوزہم میزبان مکرم حضرت مولانا مجاہد امیر قریشی صاحب زید مجدہ حضرات علماء اکرام قرائے اکرام عزیز طلباء محترم بزرگو
और अजीज नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यहां आपके इलाका सलारे चनियोट में मदरसा तालीमुल कुरान के सालाना तकसीम असनाद के इस जलसा में जमा हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुझे बताया गया कि जलसे तो यहां रात इशा के बाद हुआ करते थे, लेकिन इस दफा इन्होंने मेरी दरखास्त पर दिन को रखा। अच्छा नहीं किया, बजाय इसके कि आपको देर तक जगाया जाता, फिर आपकी फजर कजा हो जाती, फिर आप थक जाते, आधे लोग नींद से तंग आकर उठ जाते, लेट हो, ये टाइम ठीक नहीं। कोशिश किया करें आइंदा जलसे दिन के उजाले में रखा करें। रात की तारीकियों में भी अल्लाह का कुरान सुनना बड़े जौक की बात है, लेकिन दिन के उजाले में इसकी एक अपनी चाशनी है और हलावत है। दो आयतें पढ़ी और एक हदीस। पहले हदीस का मफहूम बयान कर देता हूं, फिर आयत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस किताब कुरान पाक दे दो, कुरान पाक दे दो, अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है, इज्जत देता है, सुरखरू करता है, सरफराज करता है, और इसी तरह अल्लाह इस किताब को छोड़ देने की वजह से लोगों को जलील भी करता है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत तवज्जो से ये पॉइंट सुनिएगा। ये जो हदीस का तर्जमा मैंने किया कि अल्लाह इस किताब के जरिए लोगों को इज्जत भी देता है और इसे छोड़ने की वजह से लोगों को जलील भी करता है, यह हदीस सिर्फ मुसलमानों के मुतालिक एक जाबता है, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यूरोप, अमेरिका या कुफार की तरक्की कुरान पढ़ने की वजह से नहीं है। अमेरिका वाले ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए फितरत का जाब्ता कुछ और है, क्योंकि उन्हें यही सब कुछ मिलना है। इनके लिए वाह, जन्नतें भी हासिल करो मरकर और यहां भी मौजें उन जैसी करो, इनके लिए जाब्ता कुछ और है। बात समझ आसान है कि मुश्किल है? अल्लाह इस किताब के जरिए लोगों को इज्जत देता है, तरक्की देता है, उरूज देता है, और इस किताब को छोड़ देने की वजह से लोगों को जलील करता है। यह जाबता मुसलमानों के लिए है कि यह कौम जब भी इज्जत पाएगी कुरान की वजह से पाएगी, और जब भी यह कौम कुरान को छोड़ेगी जलील और रुसवा हो जाएगी। अलामा इकबाल मरहूम ने फारसी में कही बात बड़ी पते की, खार खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संज गर्दशे दौरान शुदी। कुरान छोड़कर जलील हो गए हो और शिकायतें जमाने की करते हो, इधर की शिकायत उधर, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसलिए मुसलमान जलील हो गए। ना, इसलिए नहीं, तो इधर उधर की बात ना कर, सबब कुछ और है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जिवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, पैसे ना होने की वजह से तुम जलील नहीं हुए, तुम्हारी जिल्लत की वजह तरके कुरान है। 19वें पारे की एक आयत है पहले सफे पर। चनियोट के दोस्तों, जब उस आयत को मैं पढ़ता हूं तो लरज जाता हूं। हशर के दिन अल्लाह की अदालत में रसूल रहमत अपनी उम्मत के खिलाफ शिकायत करेंगे, सबके खिलाफ नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ। वो रसूल रहमत के जिसकी जुबान पे कभी हर्फ शिकायत नहीं आया,
वो शिकायत करेंगे। वकाल रसूल यारब इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या अल्लाह मैं शिकायत करता हूं कि मेरे बाद मेरी उम्मत के कुछ लोगों ने मेरा कुरान छोड़ दिया। जिसके खिलाफ रसूल शिकायत करे, रसूल शिकायत करे जिसके खिलाफ, जिसके केस का, जिसके मुकदमे का मुद्दई रसूल हो, वो तो केस हार ही हारे। कुरान करीम दिलों को नरम करता है। चनियोट के दोस्तों, आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे दिल सख्त हैं। दिलों की सख्ती, दिलों की कसावट। आज हालात क्यों खराब है? भाई भाई को आधे मरले के लिए कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का दुश्मन है, सौ सौ रुपए के झगड़े पर इंसानी जानें ली जा रही हैं। क्यों? दिल सख्त है ना। ये नरम होता तो रहम होता। अल्लाह, दिल अगर नरम होता तो इसमें रहम होता ना। आज दिलों से रहम क्यों निकल गया? हाँ चनियोट वालों, आज दिलों से रहम इसलिए निकल गया कि दिल सख्त है। और दिल क्यों सख्त है? मैंने कुरान से पूछा, दिल क्यों सख्त होते हैं? कुरान करीम ने बनी इसराइल के हवाले से जवाब दिया, यहूदियों ने जब तौरात को छोड़ा, यहूदियों ने जब अल्लाह के कलाम तौरात को छोड़ा, तो कुरान ने बताया सुम्म कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारा औ अशद कसवा। जब उन्होंने अल्लाह की कलाम को छोड़ा तो उनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। आज मुआशरे में जुल्म, बेरहमी और जज्बा रहम ना होने की असल वजह यह है कि कुरान से दूर है। यह दिलों को नरम करता है, कुरान दिलों को नरम करता है। और कुरान का दावा तो यह है कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाए तो वो पहाड़ भी नरम होकर रेजा रेजा हो जाए। ये इसका दावा है कि अगर मुझे किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाए तो वो पहाड़ भी क्या हो जाए? रेजा रेजा हो जाए। ये कलाम खुद कहती है। فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। ये इसका दावा है, अजीब दावा है। है तो एक मिसाल है, तमसील। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो बात समझ आएगी। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी खौफे खुदा से रेजा रेजा हो जाता। ये तासीर है इसकी, यानी ये तासीर में नरम करता है। क्लेम है इसका, दावा है। अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है। जनाब मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के दौर में एक मरतबा अल्लाह की तजल्ली के नतीजे में एक पहाड़ रेजा रेजा हुआ था। क्या बुजुर्गों, सुन रखी है बात आपने, हुआ था ना? हाँ, जज़ाकअल्लाह। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना वकल्लमहू रब्बू,
قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ये ना वो जबल वाली बात आ गई لو انزلنا هذا القران على جبل اب ولكن انظر الى الجبل जनाब कलीम कोहे तूर पर खड़े हैं तलबगारे दीदार हैं खुदा बंदा तुझे देखना चाहता हूं रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे कलीम तू नहीं देख सकता हां मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पर डालता हूं जबल तूर पर डालता हूं कोहे तूर पर डालता हूं तू पहाड़ को देख पहाड़ को देख उन्जुर इलल जबल कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईका रब्बे कायनात ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली पहाड़ रेजा रेजा हो गया पैगंबर गिर गया وخر موسى صعيقا جی مولا سیف اللہ صاحب تشریف لائے ہیں جی جی جناب کریم کوہ طور پر کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں حکم ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت وہ تاب نہیں کہ مجھے دیکھ سکیں ہاں میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں اگر پہاڑ سہ گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر پہاڑ تاب لا گیا تو آپ بھی دیکھ لینا اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی کوہ طور ریزہ ریزہ ہوا اور جناب موسیٰ گر پڑے یہاں پر ایک تاثر پیش کرتا ہوں یہ کلیم ہے علیہ السلام یہ جناب موسیٰ کلیم ہے اور ریزہ ریزہ ہونے والا پہاڑ کوہ طور ہے اور ایک مکہ المکرمہ میں جبل نور ہے اس میں ایک غار غار حرا ہے اس میں بھی کھڑا ہوا ایک رسول ہے وہاں بھی تجلی آئی وہاں بھی تجلی آئی چنی اوٹ والوں نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا نہ غار ٹوٹا نہ پیغمبر گرا اس لیے کہ وہ تجلی پہاڑ پر بھی نہیں ہے غار پر بھی نہیں ہے وہ تجلی تو قلب محمد پر ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ عَلَى جَبَلْ نَيْنَ على جبل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے اسے لانے والا روح الامین ہے اس کی زبان عربی مبین ہے اور جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ سارے زمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے یہ عظمت کلام ہے
चनियोट के दोस्तों, कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ और उस यतीम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि वो यतीम अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचे। कुरान बुलंद करता है, यरफ़ु बिहाज़ल किताब, कुरान बुलंद करता। सबसे पहले तो साहिब कुरान को बुलंद किया, फिर सहाबा बुलंद हुए, फिर हमारे ये तालीमुल कुरान में आज जो बच्चे कुरान पाक पढ़ के, जिनके सरों पर हमारे अकाबरीन दस्तार रखेंगे, ये बुलंद हुए। अगर कुरान के हरूफ जिस कागज पर लिखे हैं, ये कागज कागज मखलूक है, कागज क्या है, मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है ना। जिस गिलाफ में कुरान लिपटा हुआ होता है वो कपड़ा है, वो भी मखलूक है। अगर उसे इज्जत मिल सकती है तो अशरफुल मखलूकात को इज्जत क्यों नहीं मिलेगी। आज जिन बच्चों ने कुरान करीम अपने सीने में महफूज किया, कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ और वो यतीम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि अर्शे मौला पर जा पहुंचा। कुरान करीम की अजमत यह है, तासीर यह है कि अगर यह पहाड़ पर भी नाजिल होता तो वो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंजाइश वसअत यह है कि सारी आजमत, सारा जलाल और सारी हैबत बर्दाश्त कर रहा है। दावा तो यह है कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते, इतना जलाल है इसमें। लेकिन जब कल्ब रसूल पर नाजिल हुआ और कल्ब रसूल के वास्ते से इस उम्मत तक पहुंचा तो इसका जलाल जमाल में बदल गया। अब यह नर्म हो गया, अब यह पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाला नहीं है, अब यह नर्म, इसलिए दिलों को नर्म करता। सारा रोब, सारा जलाल कल्ब रसूल ने, इसलिए तो कहा ना कि जब वही आया करती थी अल्लाह के रसूल पर तो आप सख्त सर्दियों में भी पसीना पसीना हो जाते। जलाल है ना, जलाल कल्ब रसूल बर्दाश्त कर रहा। इसलिए तो फरमाया शय्यबनी हूदुन, कुरान की बात सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। जलाल है ना, कुरान के बाज मजामीन ने मेरे 17 बाल सफेद कर दिए। काल रसूलुल्लाह, जलाल है ना, सारा जलाल, सारा रोब, सारी हैबत, वो जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने की ताकत रखती थी, वो सारी हैबत कल्ब रसूल ने बर्दाश्त की, सारी शिद्दत खुद बर्दाश्त कर ली और इसे नरम बनाकर, शिफाउल्ली माफिस सुदूर बनाकर, वो जो पहले जलाल था अब शिफाउल्ली माफिस सुदूर है, शिफाउल्ली माफिस सुदूर बनाकर आप तक पहुंचा दिया। अब हाल यह है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपका दिल नरम होता है, रूह को सुकून मिलता है और आंखें बह उठती हैं। अब रेजा रेजा नहीं होते आप, वो रेजा रेजा कर देने वाली सारी जज्ब कर ली कल्ब रसूल, अब रूहों का सुकून है। वो कहा ना किसी ने कि लारैब, जालिकल किताब लारैब, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, रूह को सुकून मिलेगा। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ाकर,
जब दर्द हो ना, जब जमाना सताए, जमाना ठोकरें लगाए, बीमारियां हुजूम बनाकर घेरा डाल दे, जब जमाना तकलीफें दे, तो तकलीफ के आलम में, इज़्तिराब के आलम में कुरान करीम की तिलावत किया करो, तुम्हारा दिल मुतमइन हो जाएगा। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, फुर्सत जो मिले, फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर। रूहों को सुकून मिलता है कुरान करीम की तिलावत से, रूहें मुतमइन हो जाती हैं कुरान से, क्योंकि है ये रूह की ग़िज़ा। कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ और वो यतीम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचा। वहां जाकर अर्ज करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। खुदा, ये आप अत्तहियात में पढ़ते हैं ना नमाज में, सुनाइए अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। जब नमाज में आप पढ़ते हैं तो कभी कभी इसके पस मंजर को अगर नमाज के दौरान जहन में रखें तो रूह झूम जाएगी कि ये अर्शे बरी पर रहमत आलम ने अल्लाह के हुजूर कहा। अर्ज की अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। खुदावंदा तहियात तेरे लिए, तो ये बात तेरे लिए, सलावात तेरे लिए, तीन तोहफे लाया हूं, जमीन से आसमान तक आया हूं, फर्श से अर्श पर आया हूं, तीन तोहफे लाया हूं, तहियात लाया हूं, तय्यिबात लाया हूं, सलावात लाया हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर आप तीन तोहफे लाए हैं, हम भी जवाब में आपको तीन इनाम देते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयू व रहमतुल्लाहि व बरकातू। मेरे पैगंबर आप पर भी सलामती हो, आप पर भी रहमतें हो, आप पर भी बरकतें हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की खुदावंदा ये सलामती, ये रहमतें, ये बरकत वाले तीन इनाम सिर्फ मुझ पर क्यों, मेरी उम्मत पर क्यों नहीं, मेरी उम्मत पर क्यों नहीं। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर जाइए, मैं अर्शे बरी पर ऐलान करता हूं कि हशर तक जिस जिस लबों पर, जिन जिन लबों पर तेरा नाम होगा, उन सब इंसानों पर मैं अपनी सलामती भेजूंगा। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिह। कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ और वो इतना बुलंद हुआ
इतना बुलंद हुआ कि अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचे। सातों आसमान नीचे थे, रजब का महीना था, आजकल भी रजब है। उनवान की दो जुमले मेराज पर अर्ज कर रहा हूं, वक्त की मुनासिबत से। सातों आसमान नीचे थे, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे था और रूहुल अमीन भी नीचे थे और मोहम्मद अरबी काब कौसैन की मंजिल पर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वराए हफ्त फलक गए, वो वराए हफ्त फलक गए, जहां कोई नबी न मलक गए। वो मकामे कुर्ब तलक गए, वो गए अरश पर इक आन में, है इसी का फैज जहान में। वो नमाज में, वो अजान में, वो बशीर भी, वो नजीर भी, वही आप अपनी नजीर भी। वो जमी पे शाह भी, फकीर भी, और फलक पे अरशे मसीर भी। वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो वसीम भी, वो कसीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वही साहिब खुल्के अजीम भी। बलगल उला बिकमाली ही, कशफत तुजा बिजमाली ही, हसुनत जमी उखिसाली ही, सल्लू अलैहि व आलिहि। ये उनकी आजमतें हैं, ये उनकी रिफातें हैं। और चनियोट के दोस्तों, हमारा हाल तो ये है, थोड़े से पैसे जेब में आ जाएं या थोड़ा सा अच्छा खाना मेदे में चला जाए तो बंदे को बंदा नहीं समझते हम। गाड़ी पे बैठने वाला पैदल चलने वाले को, साइकिल पर साइकिल सवार को इंसान ही नहीं समझते, तकब्बर। हा, उनकी बुलंदी देखिए, उनकी तेरी दौलत क्या बुलंदी है, उनकी बुलंदी देखिए कि वो अर्श अर्श नशीन है, बैठा है चटाई पे और अर्श नशीन है, बैठा है चटाई पे और अर्श नशीन है। उनकी बुलंदी देखिए और फिर उनकी आजजी भी देखिए। आजजी, इंकिसारी और तवाज़ो, अल्लाह अकबर। फरमाया बस एक मशकीज़ा एक चटाई, ये आजजी। वो पहले जो अशआर सुन रहे थे वो बुलंदी के थे, वो अर्श की बात थी, अब फर्श की बात सुन। पता नहीं तू इस पे गौर करे तो यकीन जान दुनिया बदल जाए। वो अर्श की बात थी कि वो वराए हफ्त फलक गए, वो बुलंदी थी, और अब फर्श की बात सुन कि बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुशाबाई न खुश कबाई, यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी। वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। आजमतें देखिए, बुलंदियां देखिए और सिफात देखिए, सिफात देखिए। वो खलवतों में भी सफ ब सफ भी, वो खलवतों में भी
तन्हाइयों में, रात की तारीकियों में, रात की तन्हाइयों में मोहम्मद अरबी को इबादत करते हुए देखिए तो उस जैसा इबादत गुजार कोई नहीं। और दिन के उजालों में, सूरज की धूप में, सूरज की रोशनी में, मैदानों में मोहम्मद अरबी को कुफर से बरसरे पैकार देखिए तो उस जैसा मुजाहिद भी कोई नहीं। रात को आबिद हम बिल्लैली रुहबानुन व बिन्नहारी फुरसानुन, रात को मुजाहिद और दिन के उजाले में आबिद, दिन के उजाले में मुजाहिद, रात की तन्हाइयों में आबिद, तारीकियों में आबिद, वो खलवतों में भी सफ ब सफ भी, वो इस तरफ भी वो उस तरफ भी, महाज़ो मिंबर ठिकाने जिसके, महाज़ और मिंबर दो ठिकाने हैं मेरे आका। हम जो मिंबर के वारिस हैं ना, हम आपके मौलवी साहब, हम एक सिफ्त के मालिक हैं, बल्कि इंसान है कमजोर है, एक ही काम कर सकते हैं। जिहाद एक अलहदा शोबा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामईयत यह है कि बयक वक्त मुजक्की भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुजाहिद भी हैं, आबिद भी हैं, बयक वक्त कारी भी हैं। महाज़ो मिंबर ठिकाने जिसके, महाज़ो मिंबर ठिकाने जिसके, वो सर ब सजदा भी सर ब कफ भी, वो सर ब सजदा भी सर ब कफ भी, इतनी बुलंदी है, इतना उरूज है कि वराए हफ्त फलक गए, और इतनी आजजी है, इतनी इनकिसारी है, इतनी तवाजो है। अल्लाह अकबर। औलियाए खुदावन ताला और बुजुर्गान दीन बहुत बड़े रुतबों के मालिक होते हैं, लेकिन वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, तवाजो करते हैं, वो आजजी करते हैं। मौजू की मुनासबत से, चूंकि आपका इलाका पंजाबी इलाका है और मैं, मुझे एहसास है थोड़ी थोड़ी गाढ़ी उर्दू बोल रहा हूं, गाढ़ी उर्दू बोल रहा हूं, मुझे एहसास है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं। इसी उन्वान को अगर मैं आपकी पंजाबी में कहूं, सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल फुकरा, बुलंदी यह है कि औलिया के सुल्तान है, और आजजी यह है कि अपने आप को कुछ नहीं समझते, अपने बारे में खुद कहते हैं कि ना मैं शेर ना मैं पाई छटा की, ते ना मैं सरसाई, ना मैं तोला ना मैं मासा, हुण गल रतियां ते आई, रत्ती मैं ते मैनू रतियां नल तोल, ते रत्ती भी पूरी नाही, ए वजन तोल वंज पूरा होसी, जदू होसी फजल इलाही। अब देखें, अब सुभान अल्लाह, अब कहिए सुभान अल्लाह कि इनकी लैंग्वेज अब आई है, इतनी बुलंदी है, इतना ऊंचा मकाम है, लेकिन ये अल्लाह के वली अपने आप को नफी जात करते हैं, नफी जात करते हैं। फारूक आजम को देखिए, कुरान करीम की तासीर की वजह से फारूक आजम मुसलमान हुए। वो रात के सन्नाटे में बहन के घर के दरवाजे पर खड़े थे और कुरान की आयतें बहन की जुबान से कानों में पड़ी तो पत्थर दिल नरम हो गया। कुरान नरम करता है दिलों को, दिल नरम हुआ, इस्लाम कबूल किया।
चनियोट वालो, चनियोट वालो, इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह के दो बड़े घर हैं। दो बड़े घर, ये भी घर है आपकी जामे मस्जिद। तौहीद की बात तो करनी चाहिए यहां पर, ये जामे मस्जिद तौहीदिया, अभी करता हूं आखिर में। इस धरती पर दो बड़े अल्लाह के घर हैं, दोनों किबले हैं, दोनों किबले हैं, दोनों काबे। एक किबला अव्वल है बैतुल मुकद्दस फलस्तीन में, दूसरा किबला मौजूदा है बैतुल्लाह मक्का में। ये दोनों किबले मुसलमानों को फारूक आजम की वजह से मिले। जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, जब खलीफा बने बैतुल मुकद्दस भी मिल गया। दोनों किबले फारूक की वजह से मिले और फारूक कुरान की वजह से मिला। इसकी तासीर देखी आप, आज भी अगर ये तासीर हो तो चू बजा, वलामा ने कहा ना चू बजा, चू बजा दर रफ्त जा दीगर शब्द, चू जा दीगर शब्द जहां दीगर शब्द। इसे अपने ऊपर तारी कर लो तो जान बदल जाएगी, जान बदलेगी तो जहान बदल जाएगा। फारूक आजम ने इसको, इसलिए तो नातिक कुरान बन गए, अपने ऊपर तारी पहन लिया, इसको पहन लिया, कुरान को पहन लिया। पहले सामे कुरान थे, फिर नातिक कुरान बन गए। जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, फजर का वक्त था, अपने आका से कहने लगे अल्लाह के रसूल आप नमाज पढ़ने लगे। कहां पढ़ेंगे? रहमत आलम ने फरमाया यहीं छुप कर दार अरकम में। कहा बैतुल्लाह में क्यों नहीं, इबादत की जगह तो वो है। रहमत आलम ने फरमाया मुशरिकीन नहीं पढ़ने देते, ईजा देते हैं, तकलीफ देते हैं। फरमाया क्यों? अब तो मैं आ गया, अब तो मैं आ गया हूं, मैं आगे चलता हूं, आप सब मेरे पीछे पीछे आइए, आज बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे, मैं देखता हूं कौन रोकता है। गोलड़ा शरीफ के, गोलड़ा शरीफ के पीर नसीरुद्दीन नसीर, बड़ी बात कही उन्होंने इस हवाले से। उन्होंने कहा कि फारूक कह रहे थे कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। ये पीर नसीरुद्दीन है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। वो सहन हरम और एक ईंट का तकिया, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में ईंट को तकिया बनाए, खलीफा सो रहा है। वो सहन हरम और एक ईंट का तकिया, क्या तरबियत सरवर आलम का असर है। फकर ऐसा, फकर 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 ऐसा के दे कैसर ओ किसरा भी सलामी। अल्लाह अल्लाह। फकर ऐसा के दे कैसर ओ किसरा भी सलामी, और हुक्म ऐसा के दरिया भी झुकाए हुए सर है। और अदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन, अदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन, और रोब ऐसा कि खुद जुल्म का दिल जेरो जबर है। दोनों किबले फारूक की वजह से मिले और फारूक कुरान की वजह से मिला, ये इसका फैज है। हमने और आपने तो इसे मुर्दों की किताब बना रखा, इत्तेफाक करते हैं इस। ओ भाई, तेरी कुरान फहमी पे भी कुर्बान जाऊं,
कभी इसको तर्जमे से पढ़ा है, इसमें है क्या? जब इसको पढ़ेगा तो नजर आएगा कहीं मूसा फिरौन से लड़ रहे हैं, कहीं इब्राहिम नमरूद से नबर्द आजमा है, कहीं मोहम्मद अरबी अरब के यहूदी सूद खोरों के साथ नबर्द आजमा है अहजाब में। ये इसके उनवानात हैं, ये इंसान में इनकलाब पैदा करती है। इसलिए तो इकबाल ने शिकवा किया, बबंद सूफियो मुल्ला असीरी, बबंद सूफियो मुल्ला असीरी, हयात अज हिकमत कुरान गिरी, बायतरा कारे जुजी नीस्त के अज यासीन ऊ आसा बमीरी। जाहिल पीरों बेजमीर मुल्लाओं ने तुम्हें मिसगाइड किया, तुमने कुरान को सिर्फ मुर्दों की किताब बना लिया। ये तो वो किताबें जिंदा थी जो जिंदों के लिए आई, जिंदों को फर्श से उठाकर इज्जत और बुलंदी की अर्श पर बिठाने के लिए आई। तूने इससे भी मरना ही सीखा। जले बायतरा कारे जुजी नीस्त क्या यासीन ऊ आसां बमीरी। तुझे इसकी आयतों से इसके अलावा कोई सरोकार नहीं कि तेरे मुर्दे की रूह निकल जाए यासीन पढ़कर। मदारिस कुरान करीम के मराकज हैं, मदारिस के साथ तआवुन कीजिए, इन्हें मोहब्बत की नजर से देखिए। मैं अर्ज करता जाऊं, ये जो हिफ्स के बच्चे होते हैं इनकी रफ्तार कुरान पढ़ने की थोड़ी तेज होती है। आप पौने घंटे में इस पारा पढ़ेंगे, आधे घंटे में या घंटे में पढ़ेंगे, ये 15 मिनट में पढ़ जाते हैं। पढ़ पढ़ के इनका मुहावरा हो गया होता है, सुबह फजर से कुरान पढ़ना शुरू करते हैं ये बच्चे, इशा तक पढ़ते हैं मदारस में। इन्हें प्यार से देखा करें। हाँ, 15 मिनट में अगर ये इतनी मकदार तिलावत करते हैं कि जिससे एक पारा बनता है, तो रोजाना हर बच्चा 10 घंटे पढ़ता है कुरान। हर बच्चा मदरसे में कितने घंटे? 10 घंटे कुरान पढ़ता है हर रोज। एक बच्चा इतनी मकदार में तिलावत करता है कि पूरा कुरान खत्म हो जाता है। अगरचे तरतीब में नहीं होता, जहां सबक होता है उसी को बार बार रिपीट करता रहता है, मकदार इतनी बन जाती है कि कुरान खत्म हो जाता है। 100 बच्चे हैं तो 100 कुरान खत्म, 50 बच्चे हैं तो 50 कुरान खत्म। रहमतों बरकतों और कुरान के इन मराकज को तन्हा न छोड़िए। बड़ी दिली खुशी हुई आजीजम हजरत मोहतमम साहब मुजाहिद अमीर कुरैशी साहब बड़े इस इलाके में खूबसूरत तरीके से बावकार तरीके से मदरसा बनाया, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमारे यहां पाकिस्तान में अमूमी तासर तो यह है कि मदारस को यतीमी वाला माहौल दिया जाता है, इन्होंने बच्चों के लिए अच्छा पुर आसाइश माहौल मुझे महसूस हुआ, अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना, दौरे यतीमी में नहीं डाला मदरसे। बदनसीबी यह है कि आप अपने दीन को भी अपनी जकात पर पालते हैं, यह तो यतीमों के लिए थी। कभी इस पे गौर किया आपने? बड़ा तकब्बर करते हैं मदरसे में उशर की 2 बोरियां देकर आप जकात दे रहे हो ना, गोया आपके नजदीक दीन को कायम रखने का मेयार जकात है, और जकात माल का मैल है, माल का मैल है। आप मैल से अपने दीन को पाल रहे हैं, चलो ये भी गनीमत है। जकात से हटकर भी तआवुन किया करें, उशर से हटकर भी इनका ख्याल रखा करें। अल्लाह आपके ज़कात, मेरा तो जी चाहता है, अभी तो मैंने तौहीद पर भी वादा कर लिया लेकिन चूंकि अब वक्त खत्म है, तौहीद पर बात करना चाहता था लेकिन चूंकि मुझे बाद अज़ मग़रब रहीम यार खान पहुंचना है तो मेरी भी मजबूरी है, मुझे सफर भी करना है। इंशाल्लाह जिंदगी घंटा तो हो गया, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अभी आप सब हजरात तशरीफ रखेंगे,
हजरत पीर साहब इन बच्चों की दस्तार बंदी फरमाएंगे, दुआ होगी और दुआ के बाद आप सब उठेंगे। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।